हेलो गाइस, वेलकम टू द कार शो। आज आपके सामने है ऑल न्यू 2023 टाटा नेक्सॉन ईवी। टाटा नेक्सॉन ईवी 2023 का प्राइस 14.74 लाख रुपए से स्टार्ट होता है और जाता है 19.94 लाख रुपीज तक। काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ओवरऑल ये कार मेरे को लगती है। एंड वेरियंट्स की अगर बात करें तो तीन वेरियंट्स इस कार में आते हैं, क्रिएटिव, फियरलेस और एम्पावर्ड। एंड इन तीनों वेरियंट्स के अंदर ना आपको यहाँ पे सब वेरियंट्स पे ऑफर किए जाते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर ना हम बात करने वाले इसके टॉप ऑफ द लाइन एम्पावर्ड प्लस LR वेरिएंट के बारे में। अब LR क्या है? LR है इसका लॉन्ग रेंज वेरिएंट, मतलब इसके अंदर रेंज का ऑप्शन आ जाता है जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है। एंड शेयर देख लो, बाकी लॉन्ग रेंज में ये चलती है 465 किलोमीटर और जो नॉर्मल आपको मिलती है वो है 325 किलोमीटर। तो ये बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। 19.94 लाख रुपीज इसका ना एक शोरूम प्राइस है। बाकी अब क्या कुछ इस कार के अंदर यहाँ पर ऑफर किया जाता है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इस कार के फ्रंट प्रोफाइल से। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिल जाती है इसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया LED DRLs जो कि काफ़ी यूनिक लग रही है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा टाटा का लोगो, नीचे यहाँ पर 360 कैमरा दिया जा रहा है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आएंगे इस कार में एंड बेसिकली फ्रंट कैमरा 360 वैसे पूरा इस कार में ऑफर किया जाता है। LED हेडलैम्प्स आपको यहाँ दी जाती है, प्रोजेक्टर LEDs है, नीचे आपको फॉगलाइट्स भी इसमें LED में ही ऑफर की जाती है। बाकी का डिज़ाइन आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक इसमें ऑफर किया जा रहा है। और ये जो DRL है ये ड्यूल फंक्शन एज LED साइड टर्न इंडिकेटर भी वर्क करेगी, ओवरऑल ना ग्लो करते हुए काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। एंड ये नया कलर आपको कैसा लग रहा है मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। बाकी ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल का लुक कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है इस कार का। साइड की अगर अब बात की जाए तो साइड में ना यहाँ पर आपको इस कार में ऑफर किए जाते हैं 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स जो कि हैं डायमंड कट डिज़ाइन के अंदर एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। टायर प्रोफाइल की अगर बात करें तो टायर प्रोफाइल यहाँ पर आपको इसके अंदर मिल जाएगी 215/60R16। EV की बैचिंग यहाँ पर है, ओवर VMs आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर पाएंगे, इंडिकेटर भी यहीं पर इसके ऊपर प्लेस्ड है। नीचे आपको यहाँ पर इसमें कैमरा मिल जाता है साइड के व्यू के लिए एंड जो ओवर भी हमने इस बड़ी ये हैरियर से सेम वही लिया गया। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो ओवरऑल साइड प्रोफाइल का लुक कुछ इस तरह का आपको मिल जाता है। 208mm की यहाँ पर इस कार में ग्राउंड क्लियरेंस दी जा रही है, फुल बॉडी क्लैडिंग आपको मिल जाती है और यहाँ पर आपको इसमें मिल जाता है कार को चार्ज करने के लिए ऑप्शन इसके अंदर। और ड्यूल टोन ऑप्शन में आप ये देख रहे हैं, ग्लॉसी ब्लैक आपको ये वाली पूरी स्ट्रिप मिलेगी, ऊपर रूफ भी ग्लॉसी ब्लैक में है, सनरूफ यहाँ पर इसमें दी जा रही है एंड यहाँ पर इसमें रूफ रिल्स। बाकी ना वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इन्वॉल्व वन के स्नोफॉल का परफ्यूम के बारे में। ये परफ्यूम ना एक बहुत ही ज़्यादा कूल एंड रिफ्रेशिंग से ओवरऑल फ्रेग्रेंस ऑफर करता है। वैसे आप इसके नाम से पता लगा पा रहे हो कि ठंडक भरा सा एहसास आपको मिलने वाला है इसको अपनी कार के अंदर लगा देने के बाद। ऊपर यहाँ पर फ्रेग्रेंस कंट्रोल लिड भी है, परफ्यूम बहुत ईजिली 50-60 डेज तक लास्ट भी कर जाता है। बाकी फ्रेग्रेंस जो है ना इसकी वो सही में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है एंड ट्रस्ट मी गाइस, एक बारी बाय करने के बाद ना नेक्स्ट टाइम भी आप इसी परफ्यूम को बाय करने वाले हो, इतनी मस्त फ्रेग्रेंस है इसकी। मेरा तो पर्सनल यही फेवरेट है इन्वॉल्व की तरफ से। बाकी इनकी और भी काफ़ी सारी रेंज आती है तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर चेकआउट उन्हें भी कर सकते हैं। और अगर बात करें रियर की, जैसे आगे आपको कनेक्टेड DRL मिलती है, यहाँ पर इस पर टेल लैम्प पूरी कनेक्टेड दी जा रही है, कितनी अच्छी लग रही है ना। एंड ये आप देख सकते हो पूरी LED के अंदर ही आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर इसमें सिक्वेंशियल साइड टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा, ब्रेक लाइट यहाँ छोटी सी इसमें दी जा रही है, पहले वाले के अंदर यहाँ पर ऊपर आया करती थी। और यहाँ पर आप देख सकते हो रियर डिफॉगर आ रहा है, वाइपर भी आता है इस कार में जो कि आप देख सकते हो ऊपर की तरफ ना यहाँ छिप पाया हुआ है। एंड डिजाइनिंग के मामले में ना इस बनी टाटा ने कमाल ही कर दिया। Nexon.EV की बैचिंग यहाँ पर इसमें आ रही है, बाकी दो पार्किंग सेंसर्स आएंगे पीछे और दो ही आते हैं आगे, पीछे चार आते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। बाकी यहाँ पर इसमें रिफ्लेक्टर मिल जाता है, ब्रेक लाइट यहाँ दी जा रही है और ओवरऑल बैक साइड लुक कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको कार का कंप्लीट देखने को मिल जाएगा। और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कार के अंदर एंड दिखाता हूँ कि इससे कुछ इंटीरियर्स इस कार में ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है रिक्वेस्ट सेंसर कीलेस एंट्री के लिए, डोर पैड कुछ इस तरह का रहने वाला है यहाँ पर इस कार में, ड्यूल टोन के अंदर ही आपको पूरा मिलेगा, 90° एंगल तक ये पूरा ओपन होता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ऑल फोर पावर विंडो कंट्रोल्स हैं यहाँ पर, ग्लॉसी ब्लैक पैनल है, क्रोम डोर हैंडल, नीचे JBL का स्पीकर आपको मिल जाता है, स्टोरेज स्पेस दी गई है, बॉटल होल्डर अम्ब्रेला होल्डर आपको मिलेगा, यहाँ से आप ओवर इवेंट्स पूरे कंट्रोल कर पाएंगे। बाकी अंदर की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको मैनुअल एडजस्टमेंट देखने को मिलती है इसकी सीट्स के अंदर, जहाँ पे कि ना आप इसे हाइट में भी एडजस्ट कर पाएंगे, वेंटिलेटेड सीट्स हैं एंड ओवरऑल लेआउट कुछ ऐसा कंप्लीट आपको मिल जाता है। और जैसे कि इलेक्ट्रिक है तो यहाँ पर देखो ये ना अभी 67% चार्ज है, 318 किलोमीटर्स की रेंज दिखा रही है, 21 किलोमीटर्स वैसे ये चल चुकी है। और यहाँ पर ये ग्लो करने वाला है हमेशा ही, टाटा का लोगो काफ़ी अच्छा लगता है। लाइट ऑफ करें, ये बंद हो गया, लाइट ऑन करी ऑन हो गया,
काफी ज्यादा बढ़िया लगता है ये। बाकी बाकी तो कहीं मैं चुका कार के अंदर एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपकी वीडियो पसंद आ रही है जरूर से वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और अब मैं आपको यहाँ पर इस कार के इंटीरियर्स दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह के आपको काफी ज्यादा प्रीमियम इंटीरियर्स ऑल न्यू टाटा नेक्सॉन ईवी के अंदर ऑफर किए जा रहे हैं। स्टेयरिंग व्हील देखो यार क्या मस्त फील आने वाली है। यहाँ पर आप देखो डी कट स्टेयरिंग व्हील है, लेदर रैप्ड है पूरा पूरा, टाटा का लोगो यहाँ पर इस पे ग्लो कर रहा है। बाकी यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल और साथ ही एमएडी स्क्रीन के लिए कंट्रोल्स मिल जाएंगे। इधर आपको मीडिया एंड टेलीफोनी कंट्रोल्स दिए जा रहे हैं। ऑटो हेडलैम्प्स आएंगे इस कार के अंदर। यहाँ पे है वाइपर्स के लिए टॉगल, बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो प्लस और माइनस का है इसमें ऑप्शन, एंड ब्रेक रीजनरेशन वगैरह भी आपको यहाँ पर इसमें ऑफर की जाती है जिससे कि बैटरी बैकअप आपका बढ़ जाएगा वैसे देखा जाए थोड़ा बहुत। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पर इस कार में फुल्ली डिजिटल ऑफर किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम ये लग रहा है। एंड ओवरऑल यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रिप मीटर्स हैं, व्हीकल की इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो, एंड मीडिया की भी आपको यहाँ मिलते रहेगी, साथ साथ नेविगेशन है, नोटिफिकेशन आएंगे और भी मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इसके अंदर मिल जाएंगी। बाकी यहाँ पर एक एसी वेंट है, नीचे आपको यहाँ पर सॉफ्ट टच फिनिशिंग मिल जाती है और यहाँ पर सिल्वर इंसर्ट्स है। ओवरऑल लेआउट कुछ ऐसा कंप्लीट आपको देखने को मिलेगा। ये वाली स्क्रीन आपको यहाँ पर इसमें 12 इंचेस की ऑफर की जा रही है, मतलब आप अपनी कार के अंदर बैठ के फुल मज़ा लेने वाले हो इसके अंदर ना। यहाँ पर आप देखना इसके अंदर आपको यहाँ पर कनेक्टेड फीचर्स के अलावा और भी काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखो RK.EVS के अंदर आपको यहाँ पर ऐप स्टोर मिल जाता है। ऐप स्टोर के अंदर आप यहाँ पर जाके नेटफ्लिक्स भी डाउनलोड कर सकते हो, मतलब कार आपने चार्ज पर लगाई, यहाँ पर एक मूवी लगाई और आराम से आप रिलैक्स करके बैठ जाओ वेंटिलेशन सीट्स की ऑन करके, कितना मज़ेदार है ना। AQI भी आप यहाँ पर देख सकते हो, एयर क्वालिटी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। JBL के यहाँ पर इसमें स्पीकर्स आएंगे तो JBL के मोड्स वगैरह भी आप यहाँ से इसमें पूरे एडजस्ट वगैरह कर पाएंगे। ये सभी ऑप्शंस आपके यहाँ पर मिलने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एंड फ्लूइड स्क्रीन आपके यहाँ पर इसमें मिलेगी और AC के कंट्रोल्स आपको नीचे भी देगा, साथ ही साथ में यहाँ पर स्क्रीन के अंदर भी आपको AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। एक यहाँ पर आप देख सकते हो 136 अभी फिलहाल चल रहा है। एंड बाकी अगर और बेसिक फीचर्स की बात करें, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले आपको दोनों ही वायरलेस इसके अंदर मिल जाएंगे और आपके यहाँ पर इसमें AM/FM ब्लूटूथ और USB मिलता ही है। यहाँ पे अगेन काफी प्रीमियम फिनिशिंग आपको देखने को मिलती है, कार्बन फाइबर टच है यहाँ पर। नीचे यहाँ पर रहेंगे टच बेस्ड AC कंट्रोल्स, ग्लॉसी ब्लैक पूरा आपको ये पैनल मिल जाएगा इसके अंदर। 1000 लेट का स्विच यहाँ है, हिल डिसेंट कंट्रोल यहाँ पे है और साथ ही यहाँ से आप फॉग लाइट ऑन कर सकते हो एंड पूरा टच बेस्ड है ये, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। 360 कैमरा आएगा इस कार में, इसको प्रेस करती ये आ गया प्रॉपर इसका 360 व्यू जो कि काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। आप देखो कैमरा क्वालिटी जो है काफी ज्यादा इस बार टाटा ने इम्प्रूव कर दिया है। 2D 3D हर टाइप का आपको यहाँ पर इसमें व्यू मिलेगा, ये आप देख सकते हो ऐसा कुछ ये सेटअप है इसका। एंड टच रिस्पॉन्स नो डाउट काफी अच्छा है एंड एंगल अपने हिसाब से आप एडजस्ट वगैरह कर सकते हो। एंड देखो इस साइड का भी ये व्यू नहीं आपको दिखा रहा क्योंकि हमारा ये वाला डोर ना ओपन है, तो कार काफी स्मार्ट है, अपने आप सेंस करेगी अगर ये डोर ओपन है तो यहाँ का व्यू नहीं दिखाएगा, वो प्रॉपर अपनी पोजिशन पे बंद है तो साइड का प्रॉपर व्यू यहाँ पर आ जाएगा। बाकी फिर आपको यहाँ पर पूरे टच स्पेस मिलते हैं, ऑटो AC है, यहाँ पर आपको एक USB का पोर्ट मिल जाएगा, 12 वॉट्स का पावर सॉकेट ऐसा कुछ यहाँ पर आपको गियर लिवर इसमें दिया जा रहा है, रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव ऑप्शन है यहाँ पर पार्क का है एंड तीन मोड्स आएंगे सिटी इको स्पोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है ऑटो होल्ड के फंक्शन के साथ, वायरलेस चार्जिंग पैड आपको मिल जाता है, पीछे आपको यहाँ आर्मरेस्ट दिया गया स्टोरेज स्पेस के साथ जो किया था, लेदर के अंदर आपको यहाँ पर सीट्स मिलने वाली है वाली कार के अंदर, ये आप देख सकते हो परफोरेशन के साथ आ रही है, साथ ही साथ ना वेंटिलेशन भी आती है इन सीट्स में एंड वेंटिलेशन आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। फ्रंट टू वेंटिलेटेड सीट्स आपको ऑफर की जाती हैं 3 फैन स्पीड्स के साथ एंड काफी ज्यादा ना कंफर्टेबल सीट्स आपको यहाँ पर इस कार में यहाँ ऑफर की जाती है। यहाँ पर आपको लेदर पैडिंग मिल जाएगी, काफी अच्छी लग रही है, ग्लॉसी ब्लैक पैनल है। सेफ्टी की अगर बात की जाए तो इस कार में आपको 6 एयरबैग्स ऑफर किए जा रहे हैं, फ्रंट 2 एयरबैग्स मिल जाएंगे, साइड कर्टन एयरबैग्स हैं और सीट्स के साइड्स पे भी एयरबैग्स आपको यहाँ दिए जाते हैं। और आपको यहाँ पर इसमें ABS/VD, ब्रेक असिस्ट, ट्राइसोफिक सीट माउंट, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दिए जा रहे हैं। ऑटो डिमिंग IRVM आएगा इस कार के अंदर, रेन सेंसिंग वाइपर्स भी आते हैं, ऑटो वाइपर्स हैं यहाँ पर इस कार में, सनरूफ के लिए कंट्रोल यहाँ पर है, वन टच ओपन क्लोज फंक्शन के साथ आपके यहाँ पर इलेक्ट्रिक सनरूफ इस कार में ऑफर की जाती है, ऐसे ही ओपन हुई और ये बंद हो गई, लाइट यहाँ पर इसमें LED में ही ऑफर की जाती है। बाकी यहाँ पे SOS का फंक्शन आपको मिल जाता है इमरजेंसी केस के लिए और यहाँ पर आपको लाइट वगैरह दी जा रही है। इधर आपको यहाँ पर इसमें किट होल्डर मिल जाएगा और इस साइड पर यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर ऑफर किया जा रहा है एंड ऐसा कुछ कंप्लीट इसका लेआउट है। JBL के यहाँ पे इसमें ट्विटर्स हैं, नीचे स्पीकर्स में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ JBL की बैजिंग के साथ जो कि आपको मिल जाते हैं।
और ना अब चलते हैं इसकी बैक सीट में, देखते हैं कि बैक सीट में कैसा कुछ कंफर्ट इस कार में ऑफर किया जाता है। उससे पहले ना आपको यहाँ पर इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच दिखा देता हूँ, जो कि वीडियो के स्टार्टिंग में रह गया था। ये देखो यहाँ पर इसमें दिया जा रहा है इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच। बाकी अब चलते हैं इसकी रियर सीट में। तो ये गाइस इस कार का बैक डोर, जो कि आपको यहाँ पर इस कार में कुछ इस तरह का कंप्लीट ऑफर किया जा रहा है। ये आप देख सकते हो सेम फ्रंट डोर की तरह ही ड्यूल टोन के अंदर आपको ये पूरा देखने को मिलता है। यहाँ पर इसमें क्रोम डोर हैंडल, यहाँ पर ऐसी कुछ ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग है, हार्ड प्लास्टिक मिलेंगे, JBL के स्पीकर्स हैं, ऊपर ट्विटर है, डोर ओपनिंग वही 90 डिग्री एंगल वाली आपको मिल जाएगी। अंदर ना आपको यहाँ पर इसमें दो हेडरेस्ट देखने को मिलते हैं कुछ इस तरह के हैं, एंड आर्मरेस्ट भी आपको यहाँ पर इसमें मिलेगा। सेंटर में ना दो बॉटल होल्डर्स भी आ रहे हैं इसके साथ। बाकी सॉफ्ट कुशनिंग वगैरह आपको मिल जाती है, परफोरेशन कुछ आपको मिलेगा, आइसोफिक्स सीट माउंट्स आ रहे हैं इस कार में। एंड ओवरऑल अंदर बैठ कर देखते हैं स्पेस एंड कम्फर्ट कैसा कुछ है। तो अंदर आ गया मैं कार के, डैशबोर्ड लेआउट कुछ ऐसा कंप्लीट आपको मिलने वाला है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऊपर सनरूफ है। बाकी स्पेस वगैरह की अगर बात करें तो बहुत ही बढ़िया स्पेसिंग यहाँ पर इस कार में मिल पा रही है, काफ़ी अच्छा नी रूम है, लेग रूम भी अच्छा खासा इस कार में मिल रहा है। और हेडरूम की अगर बात करें तो हेडरूम भी आप यहाँ पर देख सकते हो, मेरी हाइट 6 फीट है, उसके हिसाब से मेरे को ठीक ठाक हेडरूम इस कार में मिल पा रहा है। तो स्पेस के मामले में कोई कमी मेरे को यहाँ पर नहीं फील हो रही है। यहाँ पर ना आपको इसके अंदर AC वेंट्स मिल जाते हैं, नीचे आपको टाइप सी पोर्ट दिया गया फास्ट चार्जिंग के लिए। फास्ट नहीं है वैसे, अल्ट्रा फास्ट है, 45 वॉट वाला है, मतलब ना अपना लैपटॉप लगाकर यहाँ से इसे चार्ज कर सकते हो। पहले फ़ोन ही ऑफ था ऑप्शन गाड़ी में चार्ज करने का, यहाँ पे लैपटॉप लगाओ और चार्ज करो। बाकी स्क्रीन का मज़ा ले सकते हो, नेटफ्लिक्स लगाओ, अमेजोन प्राइम लगाओ, यहाँ पे बैठो अपना एंजॉय करो। मैप पॉकेट सरप्राइजिंगली मिसिंग है इस कार में, पता नहीं टाटा ने कैसे मिस आउट कर दिया मैप पॉकेट्स को यहाँ से। और यहाँ पे कोठो ग्रैब हैंडल मिल रहा है। बाकी तो कंफर्टेबल सीट्स हैं, कुशनिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। हम भी सेंटर में बहुत ही माइनर का, कोई खास दिक्कत आपको यहाँ पर इसमें इसकी वजह से नहीं आएगी। 3 पॉइंट सीट बेल्ट आ रही हैं, ये आप देख सकते हो सेंटर वाले पैसेंजर के लिए। और यहाँ पर एक 12 वॉट्स का पावर सॉकेट दिया गया साइड पर। बाकी यहाँ पर भी एयरबैग की बैचिंग, वहाँ पर बैचिंग, वहाँ पर बैचिंग, मतलब ये नहीं है कि अलग अलग 3 एयरबैग है, ये एक ही माना जाता है, मतलब पूरा कर्टन एयरबैग एक ऐसे पीस माना जाएगा, एक कर्टन ऐसे, एक इस सीट के साइड पे, एक इस सीट के साइड पे आप देख सकते हो, और दो फ्रंट पे, तो 6 एयरबैग्स होते हैं गाड़ियों में। बाकी तो फिर चलते हैं बाहर एंड अब देख लेते हैं कि बूट स्पेस कितना कुछ इस कार में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिलता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेल गेट ओपनर बटन, जिसको प्रेस करके आप इसका टेल गेट ओपन कर पाएंगे। पार्सल ट्रे आएगी इस कार में, बूट स्पेस काफ़ी अच्छा खासा आपको मिल जाता है। यहाँ पर इसमें लाइट और इसके नीचे आप यहाँ पर इसमें टूल किट मिल जाती है, आप देख सकते हो स्पेयर व्हील के साथ। स्पेयर व्हील यहाँ पर इसमें 16 इंच का ऑफर किया जा रहा है, 215/60R16। रियर सीट जो है वो यहाँ पर आप पूरी 60/40 स्प्लिट वे में फोल्ड कर सकते हैं। JBL का सबवूफर बाकी आप यहाँ पर इसमें देख सकते हो। फिलहाल के लिए बंद करते हैं, LED नंबर प्लेट लाइट्स रहेंगे इस कार में। रिवर्स पार्किंग कैमरा देख लो। एंड अब ना एक बारी खोल लेते हैं इसका हुड, और अब यहाँ से खोल लेते हैं इसका हुड। एंड पावर फिगर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर ये प्रोड्यूस करती है कार 143 PS की पावर, और साथ ही साथ निकाल कर देती है 215 Nm का टॉप। इंसुलेशन नहीं है क्योंकि ज़रूरत भी नहीं है, EV है ये। एंड रेंज की अगर बात करें 465 किलोमीटर्स की यहाँ पर इसमें रेंज मिल जाती है, और ये वाली बैटरी आपको नहीं मिलने वाली है, वैसे आपको ये वाली नॉर्मल इसमें मिलती है। बाकी बैटरीज जो होती हैं वो कार के नीचे की तरफ प्लेस रहती हैं। एंड यहाँ पर आप मोटर्स वगैरह देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा ना मज़ा आता है EV को ड्राइव करते हुए, अलग ही मज़ा आता है। मतलब जो एक पिकअप मिलता है ना 0 to 100 वाला, वो सही में नेक्स्ट लेवल रहता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। बाकी चार्जिंग टाइम वगैरह की अगर बात करें तो यहाँ पर AC चार्जर से अगर आप इसे चार्ज करोगे, मतलब घर पे अगर आप चार्ज करोगे, तो 6 to 7 आवर्स लेगी ये फुल चार्ज होने में। बाकी अगर यही आप जैसे फास्ट चार्जर का यूज़ करते हो, DC चार्जर जिसको बेसिकली कहते हैं, तो कंपनी क्लेम करती है कि वही 56 मिनट्स है, बट वही 1 आवर आप लगा लो कि ये कार लेती है। और हाँ, बैटरी कैपेसिटी की बात करें, 40.5 kW पर आके यहाँ पर इसमें बैटरी लगाई गई है। बाकी नॉर्मल बैटरी तो आपको अलग से इसमें मिलती ही है। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही था इस वीडियो के लिए। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई हो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ऐसी और डिटेल्ड वीडियोस के लिए। कमेंट सेक्शन में को जरूर बताना कि आपको ये नेक्सॉन EV कैसी लगी। एंड स्पेशली अगर हम इससे कंपेयर करते हैं XUV400 से, उससे कैसी लगी, मतलब यार फीचर्स के मामले में ना टाटा ने इस बारी हद ही कर दी फीचर्स देने में। XUV400 के अंदर एक पैसा फीचर्स नहीं लगते मेरे को इसके मुकाबले, बट वो ये हल्की सो साइज में इससे बड़ी आ जाती है। बाकी आप कौन सी लेंगे दोनों में से कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा इन्वॉल्व के कार परफ्यूम का, जिसे कि जाकर आप जरूर ट्राई कर लें। बाकी इतना था इस वीडियो के लिए, थैंक यू।